हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देख ली है और वहाँ तक आप सीख चुके हैं एडजॉइंट वगैरह निकालना जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप लास्ट वीडियो को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में बताया भी है कि हाँ भाई, उन्होंने सीट करी है, और जिनको सीट नहीं मिली है, कुछ बच्चों ने मेरे को पूछा था, तो मैंने कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उसको डाउनलोड करके कर सकते हो। चलो, अब आज की वीडियो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो में मुझे सीखना है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। जो आपके यहाँ है वो ये टॉपिक है, लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का एप्लीकेशन सीखेंगे, डिटरमिनेंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना कि एक वीडियो मैट्रिक्स वाले पार्ट में बनाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किया था उसको। तो अब यहाँ पर जो आपको मिलता है इस केस में, यहाँ पर जो एप्लीकेशन में मुझे सीखना है, यहाँ पे मेनली मुझे लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना सीखना है। और लीनियर इक्वेशंस में हमें क्या आपका है, जो टू वेरिएबल्स हैं या थ्री वेरिएबल्स हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमने पहले भी सीखा है यार, तो अब नया क्या है। अब यहाँ पर नया क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के थ्रू उसको सॉल्व करूंगा। और इसको सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं वो और सीखने हैं। जैसे आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप पहले पढ़ चुके हैं क्या होता था, 10th में ही हम इससे फैमिलियर हो जाते हैं कि भाई कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं, तो वो हम यहाँ पर देखना है हमको पहले। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलता है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, वो मे बी टू वेरिएबल हो या थ्री वेरिएबल हो, और आपको पूछा जाएगा कि भाई वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है, तो पहले हमें वो भी सीखना है किस तरह से हम यहाँ पर उसको निकालेंगे। और अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इक्वेशंस जो है यहाँ पर, इक्वेशंस के लिए एक आपको क्राइटेरिया और मिलेगा। यहाँ पर इक्वेशंस को डिवाइड किया गया है होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम वो भी सीखेंगे आज की वीडियो में कि क्या है ये। और ये आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिन्हों जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो टाइम पर पहुँचती रहे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। ठीक, अब देखिए, सपोज हम पहले देखते हैं कि भाई हमें इक्वेशन दी गई है, हमने लिखा कुछ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन दी गई है, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। अब देखिए, इक्वेशन देख के आपको पता लग ही गया कि भाई ये क्या है, आपकी थ्री वेरिएबल्स हैं यहाँ पे और डिग्री वन है, तो लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर ये। ठीक, अब इसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना है, तो मैं आपको पहले यहाँ पर ये इसको मैट्रिक्स में हम इसको कैसे कन्वर्ट करते थे ये हम सीख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार दोबारा देखिए इसको। हम करते क्या थे, यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स बनाते थे, ए नाम जिसको दिया, और जो ये तीनों इक्वेशंस आपकी दे रखी हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स को नोट करते थे, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते थे हम। ठीक, और उसके बाद क्या बनाते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे हम, यहाँ पर कैपिटल एक्स से उसको डिनोट कर दिया हमने, और वो क्या होते थे आपके वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक वेरिएबल यहाँ पे मैट्रिक्स और ली जाती थी, वो होती थी आपकी मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी क्या होती थी, जो आपके यहाँ के कॉन्स्टेंट नंबर थे डी वन डी टू डी थ्री, कुछ इस तरह से है। अब अगर इन तीन मैट्रिक्स जो हमने बनाई इन इक्वेशंस के थ्रू, इनको हम लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें अगर, तो हमें क्या मिलेंगी, यही तीन इक्वेशंस मिलेंगी, और ये इक्वल किसके हैं, मैट्रिक्स बी के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, बार बार हम इस सम को यूज करेंगे, अभी कहाँ से मिल रहा है ये चीज आपको पता है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली इसी तरह से नोट कर ले रहा हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी, कुछ इस तरह से। ठीक, अब जरा आते हैं, इस इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा। अब जब मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, चाहे वो मैट्रिक्स के हेल्प से ही यहाँ पर हमें करना है, तो हमने सीखा था, अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ देखते हैं सॉल्यूशंस जो इसके मिलते हैं। तो हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉरी
लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन सीखे हमने। सॉल्यूशन कैसे होते थे आपके, या तो आपको सिंगल सॉल्यूशन मिल सकता है, या मैनी सॉल्यूशन मिल सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन का केस भी मिलता था। ऐसा हम सब पढ़ चुके हैं यार पहले ही, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो देखिए मैं इसको रब करता हूँ, अब सॉल्यूशन के बेस पे अगर हम बात करते थे, सपोज आपके जो सॉल्यूशन हैं, तो सॉल्यूशंस को हमने कितनी तरह से डिवाइड कर सकते थे, हमें क्या क्या मिल सकता है। या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिला, या फिर हमको क्या मिल सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते थे, और उसको मैनी भी बोला जाता है, मैनी सॉल्यूशंस मिलते थे आपको, ठीक है, या फिर आपको क्या मिलता था, नो सॉल्यूशन मिलता था, ठीक है, कुछ इसी तरह से मिलता था। अब ये जो दोनों केस होते थे, इन केस को हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर वो मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो इक्वेशंस कैसी होंगी आपकी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। और आपको सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, सॉल्यूशन ना मिलना मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमने क्या पढ़ा होगा उसको, हम क्या बोल देते थे यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट, कुछ इतना ही सीखा था, ठीक है यहाँ तक। अब इतना तो हमने सीख लिया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमने सीखा। अब यहाँ पर मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हमें एक टर्म और सीखना है, और वो टर्म क्या है आपका, होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या है वो देखते हैं पहले यहाँ पर। चलो अब देखते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। अब देखो यार, जो मैंने ये बनाया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने कुछ ये लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या है, ए एक्स मैट्रिक्स ही है और बी भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं, मीन्स कुछ इस तरह से बन सकते हैं। सपोज जो आपका मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी है, ठीक है, वो क्या है आपका, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मतलब ये क्या हो सकता है, एक नल मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक केस हो सकता है कि आपका जो बी है दैट इज नॉट इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स के लिए हमने ओ रिप्रेजेंट किया था। अब बस इतना सा केस आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू जीरो। अब अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है आपका, ये वाला केस आपको मिला, तो यहां पर हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे नॉन होमो जीनियस इक्वेशंस, ठीक है। और अगर आपको मैट्रिक्स बी मीन्स राइट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू जीरो मिल गया, तब हम इसको क्या बोल देंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, कुछ इतना ध्यान रखना है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए रहेगा। होमोजीनियस क्या है आपका, जहां पर मुझे राइट हैंड साइड जो मिल रहा है, मैट्रिक्स बी मिल रही है, वो कैसी है, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो वो क्या आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। और अगर आपका बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स बी है वो नल मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड, तब हम क्या बोल देंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये या बेटा ये ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन मिलता है वहां पर, अभी इसकी आगे ट्रिक सीखनी है मुझे सॉल्व करने की, तो वहां पर जो आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा जाएगा, ये केस बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये भी एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दी जाएंगी, या 3 इक्वेशंस दे दी जाए, और आपसे वो पूछ सकते हैं कि कौन सा इसमें होमोजीनियस है, कौन सा नॉन होमोजीनियस है, तो आपको वो चीज ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है जरूर, राइट हैंड साइड को मैं बोल रहा हूँ जीरो, ये वाला बी, तो ये मत करना कि अगर मैं इन सबको उठा के इस तरफ ले आऊँ, सपोज D1 को इधर ले आता, मैं इक्वेशन को इस तरह से बना देता, A1x+B1y+C1z-D1=0, इसी तरह से बाकी सब में, तब इधर वाला जीरो हो गया, उससे मतलब नहीं है, मेरा जो बी मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स क्या है, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, उन कांस्टेंट टर्म्स को मुझे देखना है कि वो नल मैट्रिक्स बना पा रहे हैं क्या या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या है। अब देखो उसके लिए मैंने अभी ये बनाया था मैट्रिक्स फॉर्म में, मैंने लिखा था ए एक्स इज इक्वल टू बी, कुछ यही हमने लिखा है, ए भी मैट्रिक्स है, एक्स भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, ये हमने यहाँ से बनाया था अभी कुछ। अब देखो इसके बेस पे हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफाइन करेंगे। अब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या है, जो मैट्रिक्स बी है आपका वो दो केस बन सकते हैं, ओ मतलब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, मैं यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है,
नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स बी क्या हो सकती है आपकी, नॉट इक्वल टू ओ हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर ये है, अगर मैट्रिक्स बी मींस राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स बना है वो नल मैट्रिक्स बना है, तब हम उसको क्या बोल देंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और मैट्रिक्स बी जो है आपका वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको, ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ राइट हैंड साइड वाला नल मैट्रिक्स बन रहा है, जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, तो यहां ध्यान देना, जैसे सपोज ये मैंने लिखा था, अब वो इसको कुछ इस तरह से लिख देता एग्जाम में, आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से दे दे, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड माइनस डी थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आपको याद रहा कि भाई सर ने कहा था कि राइट हैंड में आपका क्या आना चाहिए, जीरो, तो राइट हैंड ये नहीं है, राइट हैंड जो मैट्रिक्स बी बन रही है वो मैट्रिक्स बी कौन सी बन रही थी, ये कॉन्स्टेंट की, ठीक है। तो मुझे ये चीज वैल्यू देखनी है, राइट हैंड का मतलब ध्यान देना है कॉन्स्टेंट वाला जो है वो राइट हैंड की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, ठीक। तो अब आप होमोजीनियस समझ सकते हैं, नॉन होमोजीनियस समझ सकते हैं। अब हमें जो सीखना है यहाँ पे, जो हमें मिलता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अब इस तरह से मिलता है, देखो हम पहले सीखते हैं टू वेरिएबल्स में, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लेते हैं और वहाँ पे टू वेरिएबल्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई हम उसको देख के किस तरह से सॉल्व करना है और कैसे हम बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं, नॉन होमोजीनियस, पहले इसको रब कर लेते हैं। अब जो हम फर्स्ट केस देखने जा रहे हैं यहाँ पे वो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स में देखते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब सपोज आपको जो इक्वेशन दे दी है वो क्या दी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, कुछ इस तरह से है। अब हमने कहा था नॉन होमोजीनियस, अगर यहाँ पर हम इसको ए एक्स और बी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मैट्रिक्स ए कितना हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया आपका ए वन बी वन ए टू बी टू, मैट्रिक्स एक्स कितना हो गया आपका एक्स वाई, और मैट्रिक्स बी कितना हो गया सी वन सी टू, कुछ ही इतना ही रहेगा। अब नॉन होमोजीनियस है मतलब मुझे दिख गया बी कैसा है हमारा, नॉट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ये है, अब आपको दिया गया इक्वेशन दे दी गई, अभी क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, वहां वो आपको पूछ रहा है कि भाई वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आपको ये दिया गया है तो इसका जो मेथड है, आप सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे मस्ट आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, स्टेप की बात करता हूँ अगर मैं, स्टेप वन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब ये क्या हो सकता था भाई आपका, दो केस बन सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, दो केस कुछ यहाँ पे बन सकते थे। अब जैसे ही आपकी दो केस बने तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ही आपको ये मिला, जैसे ही आपको ये मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो मतलब ये क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करना अभी हम आगे सीखेंगे कैसे करना है, अभी सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है, लेकिन यार कंसिस्टेंट का एक तरीका आपने और भी पढ़ा है कि वो मैनी सॉल्यूशन की तरफ निकला है, मतलब आपको मिल क्या जाए, मैनी सॉल्यूशंस मिल जाए, और मैनी सॉल्यूशन मिल जाते हैं तब भी तो आपका कंसिस्टेंट आता है, तो आप सेकंड की तरफ आते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया जीरो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया तो अब यहां से आपका स्टार्ट होगा स्टेप टू, ठीक है। तो मैं यहीं पर बोल देता हूं इसको स्टेप टू, और यहां पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी,
मीन्स आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसका मैट्रिक्स बी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन करा तो आपको फिर से क्या मिल सकता है, दो केस मिल सकते हैं, आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो आ सकता है, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला केस मिला तो जैसे ही आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये केस किस तरफ आ जाएगा आपका, मैनी सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, और ये वाला केस क्या आ गया आपका, नो सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, स्टेप मेथड है सिर्फ, क्वेश्चन अभी इसके बाद करेंगे। तो ध्यान देना है हमें, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर आपको ये वाला केस मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए दो वेरिएबल में इक्वेशन है, फर्स्ट क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया तो एक केस, और डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एक केस। अब नॉट इक्वल टू जीरो आया तो वहां पे क्या मिल गया मुझे, जैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो आया यूनिक सॉल्यूशन बोल दूंगा फटाफट कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। लेकिन कंसिस्टेंट का एक क्राइटेरिया और भी था, मैनी सॉल्यूशन की तरफ। अब मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो मिल चुका है मुझे, अब मुझे एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए का बी से मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखूंगा कि रिजल्ट जीरो आ रहा है या नॉट जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है तो जीरो आने पे आपको क्या मिल गया, अगर रिजल्ट जीरो आया तो मैनी सॉल्यूशन, और रिजल्ट अगर आपका आया नॉट इक्वल टू जीरो तो मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर इतना, इसका अभी न्यूमेरिकल करके देखते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं किस तरह से मिलना है। तो यूनिक सॉल्यूशन मींस कंसिस्टेंट कब कब मिल रहा है आपको, कंसिस्टेंट मिलने के चांसेस क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तब कंसिस्टेंट है, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तब कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक बार नॉट इक्वल टू जीरो पे है, एक बार इक्वल टू जीरो पर है यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो पे कंसिस्टेंट था तो इस वाले को आप कंसिस्टेंट कर दो और इसको आप बोल दो मैनी सॉल्यूशन, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक, चलो अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं मैं किस तरह से इसका क्वेश्चन मुझे मिल सकता है। देखो आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, टू वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, आपसे ये पूछ लिया सिंपल कि भाई ये आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इनको सॉल्व भी करना है, वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, वो हम अभी आगे देखेंगे, अभी सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना सिखा रहा हूँ आज की वीडियो में। ठीक, अब अगर मुझे ये देखना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है तो मैंने मेथड क्या सीखा था, मैंने मेथड सीखा फटाफट मैट्रिक्स के फॉर्म में, पहले इनको लिखते हैं 5 2 7 3। ठीक, मैट्रिक्स एक्स कितना हो गया आपका एक्स वाई, मैट्रिक्स बी कितना हो गया यहाँ पे आपका 4 5। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या सीखा था, सबसे फर्स्ट हमने सीखा था कि भाई पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया आपका 15 -14, मतलब ये कितना आ गया 1। अब ये 1 आया मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, कुछ ही इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलो इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है निकालना है। अब अगर ये निकालने के लिए बोला जाता है तो अब आपको पता ही है सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, फटाफट ये मिला 2 3 6 9 मैट्रिक्स बनाओगे, आप मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, एक्स एंड वाई, मैट्रिक्स बी बना लीजिए 5 एंड 10। अब ए एक्स इक्वल टू बी इस फॉर्म में है ही, नॉन होमोजीनियस है ही, आपको पता लग ही रहा है कि बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब क्या सीखा था हमने, पहले निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट ए निकाला, डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया आपका 18 -18 मतलब इक्वल टू आ गया 0। अब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो अब क्या मैं बता सकता हूँ भाई ये कितना है, इसके बारे में अभी हम कुछ बता पाएंगे कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, नहीं, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया होता तो हम कंसिस्टेंट बोल सकते थे, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन था। अब फिर आगे क्या सीखा था हमने, स्टेप सेकंड सीखा था हमने, क्या करना है हमें स्टेप सेकंड में, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, कुछ ये निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, पहले भाई इसके माइनर निकालते हैं, M11 कितना आ गया, कैंसिल आउट 9 आ गया, M12, M12 कितना आ गया आपका 6 आ गया, M21 ये कितना आ गया 3 मिल गया, M22 ये कितना आ गया 2 आ गया। ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं इसलिए इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं।
C11 कितना आएगा? 9 आएगा। C12 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। C21 कितना आएगा? -3 आएगा। C22 आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब अगर इतना हो गया तो एडजेंट ऑफ ए के लिए आपने क्या पढ़ा है? कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, 9 -6 -3 एंड 2, और इसको क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज कर दीजिए। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया आपका? ये मिल गया आपको 9 -6 और -3 एंड 2। ठीक है, अब आप कह रहे हो, या जैसे मैंने ये निकाला, आपने मन में आया होगा पक्का कि भाई आप 1 मार्क क्वेश्चन कह रहा हो मिलेगा, और इतनी मेहनत करने के लिए बोल दी, 1 मार्क में इतनी तो करनी नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या सीखा है कि एडजॉइंट तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे 2 इंटू 2 का, इन दोनों को क्या करना है, जगह चेंज करनी थी, इन दोनों के आगे माइनस का साइन लगाना था। बस मैंने आपको याद दिला दिया फटाफट कि भाई ऐसे करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर फुल आता है आपके 3 मार्क्स की तरफ, तो आप इस तरह से करोगे इसको। वैसे चांसेस मुश्किल कि ऐसा मिल जाए 3 मार्क्स में। अब अगर ये इतना आ गया तो उसके बाद क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है तो उसके लिए हम जगह खाली करते हैं कुछ। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैसे आएगा आपका? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मतलब 9 -3 -6 2 इंटू बी। बी कितना था आपका? 5 एंड 10। ये करा कितना आ गया? 45 -30 और -30 + 20 कुछ इतना ही। कितना मिल गया मुझे? ये मिल गया मुझे 15, और ये कितना मिल गया आपका यहाँ से? ये मिल गया -10। ठीक है, मीन्स नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स मतलब कैसा? यहाँ पर ये केस मिल गया, ये मिल गया मुझे नो सॉल्यूशन का केस, क्योंकि मैंने अभी क्या देखा था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक, नो सॉल्यूशन, तो ये कैसा? नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन मतलब ये कैसा होगा आपका? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, निकाल पाएंगे इसको फटाफट। अब देखो यार, ये मैट्रिक्स मेथड। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर ही रहा हूं और आपको 2 वेरिएबल्स मिल रहा है, तो ये आपने सीखा था 10th लेवल पे। इतना भी मत करो फिर, तो इतना भी मत करो फिर। आपने बचपन में ही क्या सीख लिया 10th में ही? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 कुछ पढ़ा था ऐसा? वही केस है। यहाँ देखो, A1 upon A2 1 upon 3, B1 upon B2 1 upon 3, C1 upon C2 1 upon 2, मतलब A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, मतलब कौन सा केस आ गया? ये वाला, यही है नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। तो ये देखते ही बता सकते हो आप, लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि पहले आप समझो, और जिनको पहले ही चीज ध्यान में आ गई थी अच्छी बात है, मतलब उन्हें अभी भी कुछ पुरानी चीजें याद है। चलो, ये है आपका कुछ 2 वेरिएबल्स का। अब 2 वेरिएबल्स के लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराए, बाकी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, और सीट का लिंक अगेन वही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डाउनलोड करिएगा, करिएगा इसके और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। चलो ठीक, अब ये 2 वेरिएबल तक तो हमारा कवर हो गया। यहां तक अगर आपका आता है आराम से बोलेंगे हाँ सर कर देंगे, देखते ही कर देंगे। अब तो ये भी क्यों करना है, ये तो सब्जेक्टिव है तब करना है, अदरवाइज आप उसी 10th के तरीके से करो यार, ऑब्जेक्टिव है तो। अब आते हैं 3 वेरिएबल्स की तरफ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 3 वेरिएबल्स की ट्रिक थोड़ी सी ध्यान देना, क्योंकि यहां से अब मेहनत चालू होने वाली है असली। अब कुछ ये है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, मतलब 3 इक्वेशंस मिल गई, 3 इक्वेशन मिली, A1x B1y C1z इक्वल टू D1, A2x B2y C2z इक्वल टू D2, A3x B3y C3z इक्वल टू D3। इसको डायरेक्टली लिख लूं ऐसा, AX इक्वल टू B, इतना तो ध्यान है ही ना अब आपको। ठीक, चलो AXB अब आप बना पाओ। अब यहां पर क्या है, देखो स्टेप 1 जो है आपका, स्टेप 1 सेम है। स्टेप 1 क्या है? सबसे फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही फाइंड करो, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो अब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो मिल क्या कह सकता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो, बात खत्म, यूनिक सॉल्यूशन जो पहले पढ़ा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आया, अब आगे मेहनत करनी है। यहां क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, वहां पर निकाला था दो वेरिएबल्स वाले में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डायरेक्टली, यहां निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, अब देखो यहां पर भी इसके दो केस बन गए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये केस आ सकता है। अब जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो पहले मैं इस तरफ आता हूँ, ठीक है, इस तरफ अगर मैं आता हूँ तो यहां से अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, जो पहले निकाला था वो यहां पर, ठीक। आप अगर ये निकाला तो देखो दो केस यहां भी बनेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नो सॉल्यूशन, जो पहले पड़ा है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो मतलब मैनी सॉल्यूशन, जो पहले वाला केस था टू वेरिएबल की तरह। यहां तक तो इतना काम खत्म। अब इधर वाला, अगर ये केस आया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो जो मैं बोल रहा हूँ, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, क्योंकि एक मैट्रिक्स बन रहा होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की तरफ है, ट्वेल्थ में बहुत रेयर केस है कि ऐसा मिले, अभी तक तो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चेंज हो रहा है पैटर्न, कब क्या दे दे पता नहीं है, तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है। अभी तो पूरा साल पढ़ा यार, मेहनत करो, और इस साल तो वैसे भी बहुत टाइम मिल गया आप लोगों को। अब ये आया तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब अगर हमें केस निकला तब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू, ठीक है, ए वन अपॉन ए थ्री इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी थ्री, ठीक है, कुछ इस तरह का केस। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, अगर ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, इसको आप ऐसे ना करके आप ऐसे कर लो, ये केस हमने निकाला और ये हो गया, इसको दो केस में डिवाइड कर दो, बोथ वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड, मतलब इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाए। आपने ये चीज निकाला ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू, ए वन अपॉन ए थ्री इक्वल टू डी वन अपॉन डी थ्री, दोनों वेरीफाइड हो गए, तो यहाँ पे कैसे आ गए आपके मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये नॉट वेरीफाइड आया तो मतलब क्या हो गया आपका, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यहाँ भी मिल रहा है, तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा आपका, ठीक। ये चार्ट को आप नोट करिए और इसका क्वेश्चन अभी हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। थ्री में आ रहा है तो थ्री में करना क्या है, सबसे फर्स्ट पहले की तरह पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, वहीं पे कहानी खत्म, वहीं पे आपको बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन है और वहीं पे कंसिस्टेंट हो गया, खत्म। लेकिन अगर वो इक्वल टू जीरो आ गया तब आगे बढ़ो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद वो जीरो आ सकता है, नल मैट्रिक्स आ सकता है या नहीं भी आ सकता। अब अगर नहीं आया तो फिर से टू वेरिएबल वाले की तरफ बढ़ जाओ, टू वेरिएबल वाले की तरफ मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो, बी निकाला मैनी सॉल्यूशन का केस मिल सकता है, अगर इक्वल टू जीरो आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आया तो नो सॉल्यूशन का केस मिल गया। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए ही आपका जीरो आ चुका था तब यहाँ पर आपको इसको निकालना पड़ेगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू, ए वन अपॉन ए थ्री इक्वल टू डी वन अपॉन डी थ्री, अगर वेरीफाई हो गए दोनों तो मैनी सॉल्यूशन है, नहीं वेरीफाई हो पाए तो नो सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना ही केस। इस केस को, इस चार्ट को अपने पास नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, कि ये यहाँ पे है जो अब आपको 4 मार्क क्वेश्चन की तरफ लेके आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये है कि आज की वीडियो में सिर्फ मैं कंसिस्टेंट निकालना ही सिखाऊंगा, अभी कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन ही हमारे सिलेबस में है 12th में, तो अब उस सॉल्यूशन को निकालेंगे कैसे वो भी तो सीखना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आप इस चीज को ध्यान रखो, और अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ, ये 3 वेरिएबल्स में है, आप 3 वेरिएबल में है तो मतलब मुझे फर्स्ट स्टेप करना क्या है, मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स वन कितनी हो गई, वन माइनस वन टू,
4-5, 2-1, 3, कुछ इतना। एक्स कितना हो गया आपका, एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी कितनी मिल गई आपको यहाँ से, 7-5 एंड 12, कुछ इतना मिल गया। अब वही सेम अगेन क्वेश्चन, अब यहाँ पर यही है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लो। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे कितना आ गया, 1, कैंसिल आउट, 12-5 प्लस 1, 9 प्लस 10 प्लस 2 -3 -8। ये कैलकुलेशन तो आप डायरेक्टली कर ही सकते हो ना, डिटरमिनेंट तो निकाल ही लोगे, जो डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ। और जिनको नहीं आता वो डिटरमिनेंट वाली वीडियो देखना भाई, कैसे इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 12-5 7, ये कितना आ गया 19, ये कितना आ गया प्लस 2 और -11, तो इसको माइनस का 22 लिख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर ये -22 मिल गया तो ये कितना आ गया, 26 -22 मतलब 4, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो यही केस था, तो वही केस मैंने यहाँ पर यूज किया। ठीक, अब ये तो देखो इजी सा था, निकल गया फटाफट, यहीं पर डिटरमिनेंट आता ही हो गया। अब इन केस में नहीं आता डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, आगे कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी तरफ भी आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा मिलने वाला है हमें, कैसा मिल सकता है। की बार ये क्वेश्चन दिया गया कुछ वही सेम आपसे अभी फिर से, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मेरे साथ साथ आप भी करना स्टार्ट करो। ठीक है, और देखो जिसका आंसर आता है अच्छी बात है, जिसका नहीं आता है वो फिर मैच करना, क्या प्रॉब्लम है। ए कितना आ गया, 1-3 5, 2-6 10, 3-9 15। मैट्रिक्स एक्स बनाने में तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स बी तो सब बना ही दोगे फटाफट, 4-11 12। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, मुझे फर्स्ट स्टेप करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा यहाँ पर, 1, कितना आ गया -90, और ये कितना आ गया -+90। ठीक है, +3 30, -30 +5 18 +18 मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0। अब सब 0 आए तब आई प्रॉब्लम, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, 3 × 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए में मेहनत तो आनी है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो यहाँ से M11 कितना आ गया आपका, M11 मिलेगा आपको, कैंसिल आउट करते हैं कितना, ये कैंसिल 0 ही मिलेगा कुछ, M12 निकालते हैं 0 ही मिलेगा, M13 निकालते हैं 0 ही मिलेगा। अब कैसे 0 आ गया भाई, ये क्या है, M11 M12 M13 तो आई है, ये निकाला था। ठीक है, हाँ अब आ गया यार, मेहनत करनी पड़ेगी। M21 निकालूंगा, M21 निकालूंगा तो कितना आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, -45 और ये कितना आ गया +45 मतलब ये भी कितना 0। M22 निकालता हूँ, M22 निकालते हैं कितना आ गया यार, ये भी 0। M23 निकालते हैं, M23 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये भी 0। ठीक है, M31 निकालते हैं, M31 निकालेंगे -30 +30, ये भी 0। M32 निकालूंगा, M32 निकाल रहा हूँ तो ये कितना आने वाला है आपका, ये कैंसिल 10 और 10, ये भी 0। M33 निकाला तो ये कितना आ गया, -6 और +6, ये भी 0। मतलब अगर C11 C12 निकालता भी हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आने वाला है यहाँ से, अब आपको दिख ही रहा है कि उसका ट्रांसपोज वगैरह कुछ भी करेंगे वो तो सब 0 ही है, तो 0 ही आना है। अब सब 0 आ गया तो ये कितना आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका 0। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आया मतलब क्या करना है मुझे अब यहाँ पे, नल मैट्रिक्स आया तो प्रॉब्लम क्या है, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ तो आना ही नहीं, क्योंकि वो तो नल ही मिलना है। अब यहाँ पे क्या करना था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 और A1 अपॉन A3 इज इक्वल टू D1 अपॉन D3, ये निकालना है।
तो यहां से निकालता हूँ, ए वन कितना है, 1/2, ठीक है, और डी वन अपॉन डी टू कितना आ गया, डी वन क्या है यहाँ पे, 4/11, ठीक है, नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल का केस ऐसे यहाँ मिल गया, नॉट वेरीफाइड की तरफ आ रहा है, नॉट वेरीफाइड आ रहा है मतलब क्या है, और आप अपनी इच्छा के लिए कर भी सकते हो, 1/3, और ये कितना आ गया आपका, 4/12, तो ये तो 1/3 आ गया, लेकिन क्या ये दोनों वेरीफाइड है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला नहीं है। अब बोथ वेरीफाइड नहीं है तो इसका मतलब एक ऐसा केस होगा आपका नो सॉल्यूशन का, क्योंकि नो सॉल्यूशन केस मैंने ये पढ़ा था, अगर ये दोनों वेरीफाइड नहीं हुए, दोनों वेरीफाइड होते तो मैंने सॉल्यूशन था, दोनों वेरीफाइड नहीं है तो कैसा आपका नो सॉल्यूशन का केस है, ध्यान रह गया। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है आपका, ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको मिला। अब अगेन 3 × 3 के मैंने आपको दो क्वेश्चन करा दिए, बाकी फिर से वही सीट में है, एनसीईआरटी में है, एक्स्ट्रा बुक आपके पास है, वो आपको कहीं से मिलवा, वो करो मुझे बताओ, नहीं आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो केस में पढ़ रहा था ये केस थे हमारे नॉन होमोजीनियस के, अब होमोजीनियस की तरफ आते हैं। होमोजीनियस सर बहुत सिंपल सा, फटाफट होने वाला है, होमोजीनियस का देखते हैं फटाफट केस क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट केस। अब लास्ट केस क्या है यहाँ पर, होमोजीनियस इक्वेशन है, अब होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसी होगी, AX=B, और यहां पर B कैसा होगा आपका, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब केस क्या मिलेगा, AX=null मैट्रिक्स, कुछ ऐसे ही केस मिलेगा आपको, नल मैट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा और O बना लो भाई, ठीक है, नल मैट्रिक्स है। अब नल मैट्रिक्स है तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका वही है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो और यहीं पे केस खत्म, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, सिंपल सा है, इजी सा है, ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बस इसमें सारा गेन किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो आंसर बताओ, तो इसमें बस इतना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन चलो एक कर लेते हैं, क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं ताकि आप ये ना कहो कि सर इसका तो करा ही नहीं, चलो लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, पूछा जा रहा है भाई कैसा है। अब यहाँ पे मुझे पता है ए कितना हो गया, 3, 4, 6, 8, एक्स कितना हो गया, एक्स वाई, बी कितना हो गया, 0, 0, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स मतलब होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, जो कुछ करना है बस वो ये निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, -24, कुछ इतना ही होगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ बस इतना ही, यही करना था मुझे फटाफट सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हो जाएगा अभी, अगर इस तरह से आपको कुछ मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाकी सीट में हैं, और अगर कोई डाउट है तो बताओ, आगे की वीडियो में हम इनको अब सॉल्व करना सीखना बचा है, हमने ये तो देख लिया कैसे कंसिस्टेंसी निकालनी है, कैसे कंसिस्टेंट है, कैसे इनकंसिस्टेंट है, होमोजीनियस में हमने सीखा, नॉन होमोजीनियस में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दोनों केस देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, तो उस यूनिक सॉल्यूशन को यार सॉल्व कैसे करना है, अब हमें वो सीखना है, क्योंकि ये ना एक वर्ड प्रॉब्लम मिलती है आपको इस तरह की डेटा यहाँ पे मैट्रिक्स में जब आता है, और वो वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स की मिलनी ही मिलनी है, हर बार मिलनी है, कभी कभी पर उठा के देखो हर बार होगा, तो वो सीखने के लिए वो 6 मार्क्स की तरफ जो आ रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहा हो, मिलना ही मिलना है ये आपको क्वेश्चन, तो उसके लिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सीट को करो, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो, आज के टाइम पे बहुत टाइम है यार, लॉकडाउन है, घर में बैठे हुए हो, कुछ नहीं चल रहा, घर में बैठे कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है, तुम सीट को आप करिए।